अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स के। और सबसे पहले दोस्तों आज 19 अगस्त 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्या आज सुनवाई होगी? जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता था कि आज केस लिस्टेड था और दोपहर के बाद आज सुनवाई होनी थी। और उसके बाद दोस्तों बड़ी खबर आपकी ये थी कि 19 अगस्त को स्ट्राइक के कारण सुनवाई होना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, तो अब एक तरह से यही कह सकते हैं कि आप लोग की किस्मत ही खराब है कि अगर आज सुनवाई नहीं होती, इससे पहले जज साहब नहीं आए थे तो एक डेट मिली थी। अगर दोस्तों आज सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आज सुनवाई नहीं होती तो हमें अगली एक डेट मिलेगी। और दोस्तों डेट हो सकता है कि थोड़ी दूर की मिल जाए, क्योंकि अगर आज सुनवाई होती तो हमें श्योर था कि कल की डेट दोस्तों दे दी जाती। अब उसके हिसाब से दोस्तों डेट मिलेगी कि कल खाली है या नहीं समय जज साहब के पास, उसके हिसाब से डेट मिलेगी अगर आज सुनवाई नहीं होती है। तो दोस्तों की और बड़ी खबर बता दें, SCCL ने 88,585 पदों पर फर्जी भर्ती पर कोल इंडिया ने जारी किया नोटिस। तो दोस्तों देख लीजिए, आजकल कुछ वेबसाइट्स होती है जो फेक होती है, तो आप लोग को झूठ मूठ की भर्तियां दिखा देती है, विज्ञापन दिखाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेन बात क्या है दोस्तों कि आज के दिन कोई भी वेबसाइट बना सकता है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं 2 मिनट में वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है, आपका झूठ का भर्ती का विज्ञापन दिखा दिया जाता है, जिससे बच्चे लोग आते हैं उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे लोग दोस्तों इसी इंतजार में रहते हैं कि कब नई वैकेंसी है और कब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो भाई आप लोग को एक चीज ध्यान देना कि अगर देखिए, हम आपको ये बात बताएंगे कि अगर आपको कभी भी कोई भी भर्ती आती है ना, सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए। कोई भी भर्ती है दोस्तों, देखिए सभी वेबसाइट भी एक काम जरूर करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। तो अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों कुछ ऐसा दिखे तो आप लोग उसको सच मानिए, नहीं तो इसको झूठी मानिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखिए इतनी बड़ी भर्ती झूठ मूठ के दिखाया गया, हो सकता है काफी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया हो, तो आपको भी दोस्तों बचना चाहिए। ठीक है, ये गलती आगे से मत करिएगा। अगर किसी बच्चे ने कर भी दिया हो जो वीडियो देख रहे हो, तो आगे से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षिकाओं का सेल्फी भेजना निजता का उल्लंघन। जी है दोस्तों, भाजपा सांसद ने भी ये बात मानी। देखिए बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि अब कोई लेडीज है वो अपनी सेल्फी कैसे भेज सकती है दोस्तों किसी को भी रोज रोज। देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी को अपनी सेल्फी भेज रहे हैं तो सामने देखने वाला भी जो हमारी सेल्फी देख रहा है क्या वो लेडीज है या नहीं। अगर कोई गर्ल्स की सेल्फी गर्ल्स ही तो देखेंगे दोस्तों। तो ये बात तो भाई सच है कि ये प्राइवेट है आपकी, कुछ चीजें आपकी प्राइवेट होते हैं, रोज रोज सेल्फी भेजना और सेल्फी लेना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो मतलब साफ साफ है यार, कोई अगर रूल बनेगा तो हमारी सेहत को देखकर भी तो बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कोई रूल आपको बना दे जिससे आपका ही नुकसान हो। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार सेल्फी लेना सेहत के लिए हानिकारक कैसे है? तो दोस्तों होता क्या है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सेल्फी लेते हैं बार बार, देखते हैं यार ये फोटो अच्छी नहीं है, कुछ बच्चे दोबारा फोटो लेते हैं, कुछ बच्चे तिवारा लेते हैं, कुछ बच्चे 50-50 बार ले लेते हैं और कहते हैं हमारी फोटो अच्छी नहीं आ रही है। तो इसी तरह दोस्तों आपके अंदर कुछ चीजें बैठ जाती हैं, तो आप लोग रोज सेल्फी लेना शुरू कर देंगे तो ये दोस्तों दिक्कत होती है। तो सेल्फी लेना लंबे टाइम के लिए अच्छी बात नहीं है, कभी कभी ले लीजिए सही है। अब ये नहीं कि दोस्तों आप हर दिन जाकर सुबह उठते सेल्फी लेंगे, दोपहर में सेल्फी लें, तो ये गलत चीजें होती है दोस्तों, इससे आपका ही नुकसान होगा। और दोस्तों देखिए, अगर आपको सरकार को भी चाहिए कि अगर कुछ हम नियम बना रहे हैं तो मेन हेल्थ इशू देख लेना चाहिए कि भाई शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना उससे। तो बार बार दोस्तों सेल्फी लेना है जबकि हानिकारक है, तो रोज रोज सेल्फी तो लिया नहीं जा सकता। तो देखिए एक चीज और है कि बच्चे हैं परेशान और कोई सुनने वाला नहीं। जी हाँ दोस्तों सही बात है। अब बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी बच्चे को उम्मीद थी कि कम से कम आज सुनवाई होगी, जिससे उनको कुछ तो यार आगे होता ना कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती, लेकिन अब आज सुनवाई अगर नहीं होती है तो उनको तो अच्छा खासा नुकसान होगा। हो सकता है दोस्तों आज कितनी तारीख, आपको 19 तारीख हो गई है 19 अगस्त, आप डेट दोस्तों देखिए कब की मिलती है, कल की मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, 20 की मिल जाती है अगर आज नहीं होती तो की इनकेस दोस्तों अगर आज सुनवाई नहीं हुई तो कल की डेट मिले तो बहुत अच्छी बात रहेगी, हो जाती है तो अच्छी बात है दोस्तों आज ही, क्योंकि आज होगी थोड़ा बहुत ही हो जाए दोस्तों 2-4 मिनट 10 मिनट, उसके बाद तो आगे की प्रक्रिया बढ़ती रहेगी ना। देखिए दोस्तों सुनवाई ना होना सबसे ज्यादा बेकार रहेगा, सभी बच्चों के हित में किसी का नहीं रहेगा। अगर सुनवाई नहीं होगा तो ये तो बात सही होगी, सभी बच्चे परेशान होंगे। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आज क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों काफी बच्चों का सवाल आ रहे थे कि सर हमारा इतने नंबर आ रहे हैं क्या हमें नौकरी मिलेगी।
देखिए, सभी बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है मन में जानने की, यार हमारे इतने नंबर है तो हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। तो कुछ बच्चों के दोस्त हम ले लेते डेटा, कुछ बच्चों ने कहा सर हमारे 62 अंक का गुणांक बनना है कि हमें नौकरी मिलेगी, कुछ बच्चों ने कहा सर हमारे 66 अंक का बनना है, कुछ बच्चों ने कहा सर हमारा 68 अंक का बनना, कुछ बच्चों ने कहा हमारा 72 नंबर का। तो ये 4 नंबर का मतलब आसपास वाले बच्चे काफी मैसेजेस किए सर हमारे इतने अंक के गुणांक बनते हैं, क्या हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। देखिए दोस्तों, 62 नंबर, पहले हम इसमें बात करेंगे आपकी कट ऑफ क्या होगी। फाइनल पासिंग मार्क अगर 40-45 में ही अगर शिक्षक भर्ती होती है तो 62 नंबर के बच्चे बाहर हो जाएंगे जनरल और ओबीसी पूरी तरीके से। यहाँ पर दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को मौका रहेगा कि 62 अंक के गुणांक में नौकरी मिल सकती है। सिर्फ मौका है दोस्तों, ये नहीं कि मिल जाएगी, खाली हाँ उम्मीद थोड़ी बहुत रहेगी कि हाँ 62 अंक के गुणांक हो और आपके पास एससी और एसटी कैटेगरी का टैग हो तो उम्मीद बनती है। अब दोस्तों देखिए 66 अंक के गुणांक में क्या आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आपकी ओबीसी बच्चे भी आ जाते, थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे, एससी भी आ जाएंगे और एसटी भी आएंगे। अब दोस्तों ये बात श्योर नहीं कि ओबीसी के बच्चे को नौकरी मिल ही जाए, लेकिन दोस्तों 66 अंक के गुणांक में अब एससी और एसटी के बच्चों को नौकरी मिलना लगभग तय समझा जाएगा। अब 68 अंक का दोस्तों गुणांक आएगा तब ओबीसी के बच्चों के दोस्तों एक उम्मीद जग जाएगी कि ओबीसी के बच्चों को भी नौकरी मिलेगी, एससी को भी मिलेगी, एसटी को भी मिलेगी। ठीक है, काफी हद तक चांसेस रहेंगे दोस्तों, नहीं मिलता तो आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब रहेगी। अब दोस्तों लास्ट में हमारा 72 अंक का गुणांक आएगा, तो 72 में दोस्तों देखिए अभी भी दोस्तों यहाँ पर जनरल के चांसेस कम रहेंगे, ओबीसी एससी और एसटी इन बच्चों को ही नौकरी मिल पाएगी। अब कहेंगे आप कि 72 में कैसे जनरल के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो दोस्तों हमने आपको पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि कैसे जनरल कैटेगरी में 74 से कम नंबर तो दोस्तों बात ही नहीं बनेगी। जी हाँ, अगर आप जनरल में आते तो कम से कम आपको 74 अंक का गुणांक चाहिए होगा, 74 से प्लस अगर नौकरी आपको चाहिए हो तो। फिर आपके मन में सवाल उठता होगा 74 से ज्यादा गुणांक लाना इतना आसान थोड़ी नहीं था, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जो शिक्षा मित्र है ना उनको जो 25 अंक का वेटेज दोस्तों गुणांक मिलेगा उससे आपको काफी नुकसान होगा। पहले दोस्तों बात ये हो रही थी कि 25 अंक का नंबर दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसको बात बदल कर इसको भारांक बना दिया गया। तो अगर दोस्तों ये 25 अंक के नंबर होते तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन अब तो ये भारांक है यार, भारांक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, भारांक इतनी आसानी से मिलता नहीं। आपने सोचिए हाई स्कूल में अगर आपने पूरे साल मेहनत की होगी, अगर 70% रिजल्ट आता है आपका तो 70% के दोस्तों कितने नंबर आपका भारांक गुणांक बनता है, 7 नंबर बनता है ना, तो 25 अंक का भारांक। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब सीधे सीधे तौर पर आप कह सकते हैं 250%। जी हाँ दोस्तों, इनको 250% का फायदा दिया गया, इसमें 10 से भाग करेंगे तभी आपके 25 आएंगे, तो मतलब यार 250% इनको ज्यादा फायदा दिया गया। और सभी बच्चे तो मतलब दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत तो सबको फायदा मिलना चाहिए, अब ऐसा ना हो कि एक तरफा फायदा दिया गया हो, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है शिक्षक भर्ती में कि एक तरह से समझ लीजिए 30 से 40 हजार सीटों का नुकसान हो जाएगा। बीटीसी और बीएड के 30 से 40 हजार बच्चे बाहर हो जाएंगे अगर उनकी 40-45 कट ऑफ पर शिक्षक भर्ती होती है। तो समय लग गया, देखिए सभी बच्चों का ये कहना है कि समय लगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो आपका निर्णय है, डिसीजन है, वो बहुत सोच समझ कर आए, क्योंकि एक फाइनल पासिंग मार्क बदलने से ही या तो 30 से 40 हजार शिक्षा मित्र नौकरी पा जाएंगे, या तो 30 से 40 हजार एक्स्ट्रा बीटीसी और बीएड के बच्चे नौकरी पा सकेंगे। तो दोस्तों आपके मन में लास्ट में चलिए एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर डेट क्या हो सकती है। दोस्तों देखिए एक्सपेक्टेड डेट जो हमारी होनी चाहिए वो एक हफ्ते के अंदर की होनी चाहिए या नेक्स्ट वीक की। देखिए उससे ज्यादा हमें लंबी डेट मिलनी भी नहीं चाहिए, कि अब ज्यादा लंबी दोस्तों अगर डेट मिलती है तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन से ये सुनवाई चल रही है और बच्चे यार एक दो दिन से इंतजार थोड़ी नहीं कर रहे हैं, जनवरी से चल रहा है आपका मैटर और काफी दोस्तों लंबा खींच चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट डेट होगी वो इसी वीक या नेक्स्ट वीक की होनी चाहिए। ठीक है नेक्स्ट डेट, अब दोस्तों ये ना रहा है कि अब पूरा नेक्स्ट मंथ चला जाए, नेक्स्ट डेट इक्वल टू हमारा होना चाहिए दोस्तों नेक्स्ट वीक। ठीक है, और बहुत अच्छी किस्मत रहेगी दोस्तों तो कल की डेट मिल जाएगी, नहीं तो दोस्तों हमें जो नेक्स्ट डेट नेक्स्ट वीक मिलना चाहिए। आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या नेक्स्ट मंथ की मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों ये महीना भी बिल्कुल समाप्ति की हो रहे हैं, आप 19 अगस्त हो चुकी है हमारी, तो 2 सप्ताह तो लेकिन बच रहे हैं, फिर भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई कोर्ट की प्रक्रिया है, वहां जब समय होगा जस्ट आपके पास तभी दोस्तों आपको डेट दिया जाएगा। अगर सुनवाई होती है तो डेफिनेटली डेट मिलेगी पर जल्दी की, लेकिन दोस्तों सुनवाई नहीं होती तो फिर इसकी कोई भरोसा नहीं रहता कि आपको डेट तुरंत की मिलेगी या बाद की। जैसे दोस्तों आपको पता होगा लास्ट टाइम आपके जज साहब नहीं आए थे, इसलिए दोस्तों डेट आपको इतनी दूर की दे दी गई। ठीक है, तो जाते जाते दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आज सुनवाई हो सकेगी या नहीं। किस्मत अच्छी होगी दोस्तों तभी आपकी आज सुनवाई हो पाएगी, अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो
तो आज सुनवाई होना मुश्किल है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, 60 और 65 की अगर कटआप जीत जाएगी तो इतना याद रखिए, जो बच्चे 60 अंक का गुणांक पा रहे हैं कल वो नौकरी करते हुए दिखेंगे। अगर 60 65 हारेगा तो फिर बच्चों के लिए मुश्किल होने वाला है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों पूरी अपडेट हम लेकर बहुत ही जल्द आ रहे हैं कि आज सुनवाई होगी या नहीं।